संपत नेहरा, जुर्म की दुनिया का एक ऐसा चेहरा जो पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि इसके सिर इतने इल्जाम है कि कोई भी हैरत में पड़ जाए। इसने तो जरायम की दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए सलमान खान तक की सुपारी ले डाली थी। जी हाँ, सही सुना आपने, बॉलीवुड हीरो सलमान खान को खत्म करने की इसने पूरी तैयारी की थी। रेकी भी कर चुका था, लेकिन साजिश नाकाम हो गई। संपत नेहरा के जुर्म का काला चिट्ठा आगे खोलेंगे और उसके एक एक जुर्म से वाकिफ भी कराएंगे। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जुर्म की दुनिया का यह चेहरा कभी शानदार एथलीट हुआ करता था, फिर संपत नेहरा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि नेहरा ने जुर्म का रास्ता अख्तियार कर लिया और एक बड़ा गैंगस्टर बन गया। सही सुना आपने, एक शानदार एथलीट और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी ने पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में कदम रखा तो कुख्यात गैंगस्टर बन गया। इस अपराधी का नाम संपत नेहरा है। जी हाँ, वही संपत नेहरा जो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को मारने की साजिश करते हुए पकड़ा गया था। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई था। संपत नेहरा मूल रूप से राजस्थान के रायगढ़ का रहने वाला है। संपत के पिता रामचंदर चंडीगढ़ पुलिस में ASI पद से रिटायर हो चुके हैं। संपत नेहरा खुद भी एक बेहतरीन एथलीट था। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में उतरने के बाद संपत खेल से दूर हो गया। खेलों से दूर होकर संपत अपराध के दलदल में उतर गया। संपत को पंजाब और राजस्थान के मोस्ट वांटेड लॉरेंस बिश्नोई का साथ मिला। बस यहीं से संपत नेहरा ने आपराधिक वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। संपत नेहरा को पहली बार 2016 में कार लूट मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जून 2017 में वह पुलिसकर्मियों की आंख में मिर्च झोंक कर फरार हो गया। गैंगस्टर संपत नेहरा पर 5 डकैती, 12 हत्या और 6 गैर इरादतन हत्या, जबकि 3 फिरौती समेत कई संगीन जुर्म में 25 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा संपत नेहरा पर पंजाब और राजस्थान पुलिस ने 2 लाख का इनाम भी घोषित किया था। संपत नेहरा पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में वारदातों को अंजाम देने के बाद दक्षिण भारत चला जाता था। दक्षिण भारत में अलग अलग जगहों पर फर्जी पहचान के साथ रुकता था और लॉरेंस उसे हवाला के जरिए पैसे भिजवाता था। लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद रहा, लेकिन उसने संपत नेहरा के जरिए कई हत्याएं करवाई। संपत नेहरा का नाम उस वक्त चर्चा में आया जब उसे हरियाणा पुलिस ने तेलंगाना के साइबराबाद से गिरफ्तार किया था। पुलिस को पूछताछ में संपत नेहरा ने बताया था कि लॉरेंस के कहने पर वो बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मारने वाला था। इसके लिए उसने रेकी करने के साथ साथ तैयारी भी कर ली थी। इसके अलावा वो वारदात को अंजाम देके विदेश भागने की फिराक में भी था। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई काला हिरण शिकार मामले से दुखी था और सलमान से बदला लेना चाहता था। ऐसे में लॉरेंस ने इस काम को संपत नेहरा को सौंपा था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।